अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक फ्रॉम कच्चा स्टाफ। मेरा नाम है ज़ुहैब अवान और आज हम दोबारा एक्सप्लोर कर रहे हैं कच्चे स्टाफ को। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं होलसेल मार्केट है स्पेयर पार्ट्स की। लास्ट टाइम यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह बंद हुए थे, कोई रीज़न था, उस वजह से नहीं आए और मैं वीडियोस भी नहीं बना सका कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। तो आज की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे आज की मार्केट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये सिटी एक नज़र आई है 2003 मॉडल जिसको यहाँ पे चूहा शेप भी कहते हैं। ये इसका ट्रंक पड़ा है, ये भी कंप्लीट गाड़ी है, मैं दिखाता हूँ इसका ये वाला लोगो आप चेक करें। ये एरिया मतलब ये नीचे आई डोंट नो क्या लिखा है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रंट के साथ साथ बैक वाला बम्पर भी है इसके साथ, इसके ये देखें फेंडर इंक्लूडेड है, नोज कट है कम्प्लीट पूरे का पूरा, ये मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके चारों के चारों दरवाजे भी हैं वाइट कलर में, साथ बोनट भी है। ये चेक कर लेते हैं, ये देखें जनाब खूबसूरत बोनट और अंदर नंदा वगैरह इंस्टॉल्ड है। और दरवाज़ों की लाइनिंग मुझे बड़ी पसंद आई है, जिसे कोशिश कहते हैं गत्तों की। ये देखें ये बेज सा कलर है इसका, बेज कलर में, ये वाली देखें कोशिश, बस ये साफ होगी। अंदर वुडन टेक्स्चर भी है इसके साथ ना, मैं दिखाता हूँ। ये देखें पावर विंडोज़ हैं और बड़े ही खूबसूरत, साथ में मास्टर स्विच देख सकते हैं। हैंडल इसके ये देखें क्रोम वाले हैंडल हैं। तो उसके साथ साथ ये इसका बैक बम्पर भी है, फ्रंट भी है, तो ये भी कंप्लीट गाड़ी है यहाँ पे। अच्छा तो हैवी किस्म के लोंडों के लिए अपडेट में ये मार्क एक्स नज़र आई है, हाँ 250G है शायद, हाँ जी मार्क एक्स। ये देखें जनाब ये इसका डैशबोर्ड है, साथ में ये भी गाड़ी है V6, ये इसके इंजन का कवर पड़े हैं यहाँ पर। स्पॉइलर हैं यार, कुछ मिक्स ही हैं गाड़ियों के, समझ नहीं आ रही है किस किस गाड़ी के हैं, देखते हैं बैरल किस हिसाब से हैं। ये वाले स्पॉइलर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये 2009 मूव इसके ऊपर लिखा है, और ये लाइटिंग वाले स्पॉइलर हैं। बैरल एडिशनल ये किसी तरह फिटिंग इसकी बनाई जा सकती है किसी भी गाड़ी पर। ये ब्लैक वाला स्पॉइलर देखें आप, इसके साथ साथ ये सनशेड भी हैं मिक्स ही गाड़ियों के हैं। पर्पल ये देखें टॉक्समो के क्या लिखे है स्पॉइलर के ऊपर, ये सारे स्पॉइलर भी यहाँ पे 8-10 दाने पड़े हैं, लेकिन इनके ऊपर सामान भी ये थोड़ा पड़ा। अच्छा गाइस ये हमेशा की तरह देखे स्टेयरिंग की भी कुछ लॉट है यहाँ पे डिफरेंट, ये टोयोटा के स्टेयरिंग्स हैं। स्टेयरिंग व्हील मैं दिखाता हूँ आपको, स्टेयरिंग व्हील ये देखें डिफरेंट इसमें पड़े हैं, ब्लैक वाले भी हैं वुडन वाले भी हैं। तो स्टेयरिंग काफ़ी क्वालिटी में क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी चीज़ यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। रेट वगैरह नहीं पता अभी, कुछ पैक भी हैं। और ये कुछ EPS के साथ हैं, पावर स्टीयरिंग के साथ, मोटर्स के साथ पूरे कॉलम। और ये देखें इंतहाई नीट चीज़ें हैं EPS की, ये पावर मोटर में दिखाता हूँ स्टीयरिंग की। ये देखें पूरा असम्बली के साथ है, ये किसी किस गाड़ी का है, ये देखें कोरे वगैरह का स्टीयरिंग है। ये आल्टो के स्टेयरिंग है, एयरबैग इनके फटे हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन EPS मोटर के साथ ये सारी चीज़ें हम देखें। ये दोस्तों ये ढेरी लगी है परचून सामान की, मिक्स ही गाड़ियों के ये सनशेड यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखें सेंटर व्यू मिरर हैं, नंबर प्लेट फ्रेम और दीगर ये परचून का सारा सामान। अच्छा बेड की दिखाता हूँ, ये जो जैसे सनशेड आप देख सकते हैं ना, ये पेयर बना के उन लोगों ने फेंके होते हैं, ये आपको खुद ही आइडिया करना है किस गाड़ी के हैं। और इसी तरह सेंटर व्यू मिरर भी ये आप खुद ही देखें करेंगे कौन सी गाड़ी के हैं, किसको लगेंगे। इसके अलावा बहुत से बटन और ये सारी चीज़ें, ये टोयोटा हाईएस्ट टाइप का ना ये बंदे देखे थे, ये उसका एसी कंट्रोल है शायद, सेंट्रल एसी है ये वो है। इसके साथ साथ मैं दिखाता हूँ आपको मज़ीद चीज़ें भी, ये देखें जनाब जैसे ये HID के ब्लास्टर हैं, ये साथ में इसके यहाँ पर आपकी ट्यूबें अटैच हो जाएंगी, यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं आप इनको। ये ब्लास्टर भी ये पेयर है, ये देखें तो ये जापानी ब्लास्टर हैं, कोई आइडिया नहीं है, काफ़ी लॉट में पड़े हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये देखें इनके ऊपर वार्ड वोल्ड लिखे होते हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा, ये सारे के सारे ये जापानी ब्लास्टर भी हैं और इनकी ट्यूबें भी यहाँ पे मैंने देखी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप सस्ते में आके खुद ले सकते हैं इनसे पेयर, डेयरी वालों से परचेज कर सकते हैं। तो ब्लास्टरों के साथ ये देखिए उनकी ट्यूबें भी हैं ये, और मज़े की बात ये है कि ये ऐसी पैक हैं इनमें अच्छे तरीके से। और ये मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज़ अप इसका करके,
ये सुपर वीएन वेनॉन की ये लैम्प है, ये ट्यूबें हैं, ये भी सारी क्वांटिटी में पड़ी हैं। यहाँ से अगर इनसे डील बने तो ये सेट बंदा इनसे उठा लेते हैं, कर लेते हैं। ये देखें ये सारी पैक है, मतलब होपफुली डैमेज वगैरह नहीं होंगी। अच्छा ये क्रेन वाले के काम चेक करें, देखें जनाब कैसे किस तरह से उठा के इंजन रख रहे हैं। इंजन इसने यहाँ से पड़े हुए उठाए हैं और इंजन उठा के किस तरह से क्रेन से ट्रक में लोड करके ये जाएंगे। लॉर्ड में ये डिफरेंट गियर लीवर्स हैं, हैंड ब्रेक्स हैं, ये विड्स की, मीरा की। इसके अलावा ये जैक, ये खूबसूरत सा बैग नज़र आया, इसमें शायद जैक वगैरह ही है। इसको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये है जनाब जापान, ये देखें जैक है और इसमें एक्सेसरीज हैं, शायद ये यूज़ हुई भी हैं या नहीं। बड़ा प्यारा सा थैला बना है, इसको दोबारा से बंद कर देते हैं। तो गाड़ी में रखने के लिए आप इंडिविजुअली भी यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं ये चीज़। ये मज़दा वाले लोगो वाली ये आल्टो है, ये दूसरे वाली सुजुकी के लोगो वाली भी आल्टो यहाँ पे मौजूद है। तो ये इसके दरवाजे शरवाजे हैं, बम्पर है, साथ में दिखाता हूँ ये सीटों की रेलिंग, ये भी VXR की। ये भी बड़ी खूबसूरत सी आल्टो है, पावर विंडो के साथ। ये देखें ये उसके चारों दरवाजे, थोड़ी करीब से मैं दिखाता हूँ। ये देखें मास्टर बटन और दरवाजे भी काफ़ी साफ़ हैं, गाड़ी साफ़ सुथरी है। नोज कट भी देख सकते हैं, ये इसका पड़ा फ्रंट वाला। तो इसके ऊपर अब बाइट में काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं, थोड़ी डिटेल में दिखा नहीं सकता आपको। बैक बम्पर है साथ इसके, और ये भी एक आपकी जो है कोरे मीरा, ये उसका नोज कट है। और नोज कट में इसके रेडिएटर वगैरह है और हेडलाइट्स हैं बस। फ्रंट कट है, बैक बम्पर भी साथ इसके पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें सिंपली आप लेके अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से दरवाजे खरीदें, पूरी की पूरी बॉनेट खरीद लें और बम्पर वगैरह भी यहीं से लें और उसको इंस्टॉल करें। पेंट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट आप कंपाउंड करेंगे और ये रेडी टू गो। अच्छा ये व्यूअर्स ये देखें, कोरे की जैसे नोज कट देख रहे थे तो उसके बाद यार ये डिग्गी हैं, ये मीरा वाली। हाँ जी, तो ये कोरे है, देख लें विदाउट स्पॉयलर ये डिग्गी है, कम्प्लीट की कम्प्लीट। मैं दिखाता हूँ अंदर से भी, ये देखें कत्ता वगैरह भी इसको लगा है, वैसे भी डिग्गी नीट है। और ये डार्क ब्लू है, साथ इसके मेरून कलर की है। तो मतलब जिस तरह की भी गाड़ी हो उसमें लेके अगेन वही कंपाउंड पॉलिश करेंगे तो ये नहीं हो जाएगी। वाइपर मोटर भी इसके साथ लगा है, डिफॉगर है शीशे में और डिग्गी भी ओवरऑल डेंटिंग नहीं है, डिग्गी में कोई भी काम नहीं है। तो बॉयज़ ये विड्स की देखें ट्रंक पड़ी है, ये पूरी गाड़ी ये कटी हुई, मैं दिखाता हूँ। देखें ये किस तरह से नीट, ये इसका फर्श का सेंटर पीस ही कट है। और साथ साथ ये देखें इसके बम्पर भी गालबन वो पड़े हैं पीछे बैक साइड पे, और साथ इसके ये दरवाजे हैं, ये सी ग्रीन टाइप कलर में है। ये देखें दरवाजे भी हैं, और ये मैं दिखाता हूँ अंदर से नहीं, ये गाड़ी की दूसरी साइडें जो कटी हैं ये देखें। तो इंतहाई खूबसूरत गाड़ी थी, पता नहीं क्या उंगल आई है इनको, उनने काट पाड़ के तो ये भेज दिए यहाँ पर। ये देखें कुप्पे वगैरह देखें, अब ये एक्सीडेंटल गाड़ियों को ये कुप्पे डलते हैं इस तरह से। ये इसकी फायरवॉल भी आप चेक कर सकते हैं, नमदा वगैरह किस तरीके से लगे है, और कटिंग में इसकी स्क्रीन वगैरह डैमेज हो जाती है। स्विफ्ट है क्योंकि ये इसके साथ साथ ये इसका फ्रंट नोज कट वगैरह भी पड़ा है। वो विड्स और ये स्विफ्ट के कलर भी सेम सेम है और कटे हुए, कोई इतना आइडिया भी नहीं हो पाता कौन से वाली गाड़ी है। तो यार ये करोला लवर्स के लिए ना एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, जो है ये 88 करोला है जो आपकी, ये वो ब्लैक वाला इंटीरियर है उसका। ये देखिए स्टेयरिंग इसका ब्लैक है, इसके अलावा ये कॉलम सारा ब्लैक है, ये इसका क्लस्टर मीटर है। ये देखें ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसका करोला 1990, यानी वही 88-99। ये इसकी पापड़ीज वगैरह हैं, डैशबोर्ड का कुछ सामान है, और ये साथ इसकी ये देखें अंदर वाले गत्ते। ये ब्लैक कलर में इसका इंटीरियर है ये सारे का सारा, तो मोस्टली ये मेरून कलर में आती है। ये इसका कंसोल भी आप चेक कर सकते हैं, कंसोल बॉक्स ये देखें साथ, बूट वगैरह भी, वरना इसका बूट भी मेरून कलर में ही होता है, और स्टेयरिंग और सारे गत्ते वगैरह भी सारे। अच्छा तो व्यूज़ ये मैं खड़ा हूँ अटक के पेट्रोल पंप के सामने बिल्कुल, और ये देखें मेरे लेफ्ट साइड पे, और सॉरी राइट साइड पे भी ये मंडी है सारी, वो साइड में घूम आए हूँ चेक कर आए हूँ। और ये लेफ्ट साइड पे भी काफ़ी आगे तक नीचे तक जहाँ तक नज़र जा रही है ये सारी की सारी मंडी है। तो इस वजह से वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि सामान विज़िट करना होता है, छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं, और जाहिर सी बात है हर एक बंदा अपनी कंसर्न चीज़ ही देखता है जो उसको चाहिए होती है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ये देखें जनाब ब्लैक ब्लैक स्टेयरिंग, बहुत ही खूबसूरत, और ब्लैक के साथ साथ ये वुडन वाला टेक्सचर है, लेकिन ये ग्रीनिश टेक्सचर है, बहुत ही खूबसूरत लॉट है। ये देखें ये वुडन वाले, इसके साथ ये येलो वाला भी ये टेक्सचर,
टूर, ये निसान का डी शेप स्टेरिंग है, बहुत ही खूबसूरत स्टेरिंग है, आप देख सकते हैं। और ये भी शायद सेल हो गए हैं। अच्छा, ये डिफरेंट स्पेयर व्हील्स हैं, ये देखें काफ़ी मकदार में आए हैं, स्टपनियाँ जो हैं वो देखें इतनी नीट कंडीशन में है कि वहाँ पे शायद इनको यूज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन इनकी कंडीशन है, इवन के अनयूज़ ये गाड़ियों में जो गाड़ियाँ कटती हैं, फिर वो टायर भी इनके सब देखें। और ये भी देखें टायर के ऊपर मैनुफेक्चरिंग डेट देखने की कोशिश करते हैं, अगर तो कहीं मैंशन नज़र आती है, मैंशन तो डेफिनेटली होगी। ये देखें ये 7 की है मैन्युफैक्चरिंग इसकी, और इसी तरह ये टायर्स आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। स्पोर्ट्स लवर के लिए ये देखें कुछ सस्पेंशनें पड़ी हैं, मुझे अंदर ये कॉयलवर नज़र आए हैं। अब ये आरएस के रेसिंग कॉयलवर हैं, बैक साइड वाले ढके हुए हैं आई डोंट नो क्यों। ये देखें करीब से देख सकते हैं आप, ये कॉयलवर्स भी हैं यहाँ पर। ये नोज कट में मुझे आपकी सुजुकी स्विफ्ट यानी मार्गला एम के टू नज़र आई है, ये इसका नोज कट है, एम के टू वाला बम्पर भी है, ये देखिए ये सामने से ठीक है। और इसके साथ साथ ये इसकी वायरिंग है अंदर वाली कंप्लीट, हेडलाइटें कौन से वाली हैं, एडजस्टर वाली हैं, सादी हैं, सादी हैं ठीक है। तो ये देखें ये नोज कट लाइट्स और ये सारा प्रोटोकॉल, आई डोंट नो कि इसके साथ कोई और भी चीज़ आई हुई है नहीं। अच्छा यार, चलते चलते ये हम बॉयज़ के लिए जो गाड़ियाँ शड़ियाँ बनाते हैं खुद घर में, उनको सेटमेंट करते हैं कि जैक्स वगैरह, गोरा स्टाइल जैक्स देखें, ये नीले कलर में है, जैसे वहाँ पे रेड तो है कॉमनली यहाँ पे भी मिलते हैं, ये नीला कलर है, ये पर्पल कलर है, इसके अलावा ये देखें आगे फिर ब्लू कलर, और ये सिल्वर ग्रे में भी है। इनके रेट शीट में पूछता हूँ शहजादा जी, किस तरह दे रहे हो जैक? 10,000 रुपये का दाना है। अच्छा जिंदाबाद, तो जनाब ये 10,000 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं जैक्स। वैसे ये कमर्शियली भी यूज़ हो सकता है, डोमेस्टिकली भी यूज़ हो ही सकता है। ये देखें वेट वगैरह देखें, ये देखें ये जैसे पर्पल वाला है, ये मैक्सिमम पावर जैक है 2T, यानी ये 2 टन तक जो है गाड़ी उठा सकता है। तो इट मीन के यार 10,000 रुपये में ठीक है, मुनासिब है। ये देखें ये 2.5 टन यानी 2.25 टन तक ये उठा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में कमी बेशी भी हो ही सकती है। ये देखें इस तरफ इसका मेरे ख्याल में मिट गया, ये कितना वेट ये उठाता है। बाकी ओवरऑल ये देखें डिफरेंट इसके स्टाइल और ये चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा गाइस, तो देखें ये भी इसी तरह एक नई गाड़ी है, ये स्विफ्ट या विट्स टाइप की गाड़ी, स्विफ्ट है ये भी, इसी तरह न्यू गाड़ी कटी है। ये इसका बैक कट देख सकते हैं कितना क्लीन है, अंदर से सामान वगैरह भी आते हुए डस्टिंग वगैरह हो जाती है गाड़ी में। इसके साथ साथ ये इसके दरवाजे हैं, नहीं ये रॉकी, ये कोई और ही गाड़ी है। लेकिन ये देखें सीटें, ये सीटें इस तरह होती हैं, सीटों के अंदर एयर बैग वगैरह होते हैं, लेकिन ये एयर बैग बेचारे फट जाते हैं या फिर खुद ही फाड़ दिए जाते हैं क्योंकि रास्ते में ये इनका पटाखा बच जाता है। वैसे सीटें ओवरऑल देखें कितनी न्यू और बेहतरीन कंडीशन में है, पर इनको देखें साइड से इस तरह से निकाला किया जाता है कि ये सीट दोबारा से रिपेयर होगी और ये दोबारा सेल होंगी। बोनट के अंदर देख सकते हैं नमदा किस तरीके से है, और ये छत भी इसी गाड़ी की कटी है। इसके साथ साथ ये कुछ इंजन वगैरह हैं, और ये मोस्टली आपकी करोला और होंडा के इंजन हैं, जो नई 8-9 मॉडल करोलाज वगैरह हैं, ये उनके इंजन हैं, चीज़ें हैं। ये देखें विद कंप्यूटर्स, विद गेयर और सारी चीज़ें तमाम शामिल हैं इसमें। ये देख सकते हैं। अच्छा जनाब, तो वैगनार वाले बॉयज़ क्रीम ओवर ने तो बहुत जलील कर दी है, बड़ी गाड़ी लोगों ने क्रीम ओवर वैसे चलाई भी है, और इस गाड़ी की भी डिमांड भी काफ़ी है मार्केट में। ये भी कंप्लीट आई है, ये देखें वैगनार है, इसका ट्रंक है, ये इसके डोर कार्ड हैं डिफरेंट, और स्टीयरिंग वगैरह भी इसमें शामिल है, काफ़ी कुछ है। एक और है यहाँ पर, ये देखें ये भी मास्टर बटन स्टेयरिंग, और ये आप देख सकते हैं ये आल्टो की भी कुछ सामान है बीच में, तो मिक्स सामान इसमें सारे का सारा शामिल है। दिख रही है साथ देखें स्टेयरिंग वगैरह हैं, लेकिन हालात मामलात इनके बहुत ही नाजुक और हस्ताल हैं, मीटर्स हैं कुछ, ये परचून सामान है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ, आप इससे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, और उसमें ये सामान कितने तक का मिलता है, क्या क्या उसमें आता है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा सामान था परचून में। ये फ्यूल टैंक्स हैं, और काफ़ी इसमें सामान है, सस्पेंशन के रिलेटेड भी है। अच्छा, तो वीडियो में गाइस ये आप देख सकते हैं बहुत सी गाड़ियों के कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हैं,
तो मेरे ख्याल में जिन भाइयों का इंजन का काम है या जिनको समझ है, वो अपनी मर्ज़ी से आके यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये देखें टोयोटा कंप्यूटर 83, और इसके अलावा ये वाला यूनिट देखें तो डिफरेंट है। जिनको थोड़ा सा इंजन को जो है वो ट्यून करना है, उसको चलाना है, स्वैप करना है, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और ये बेशुमार हैं, आपने खुद ही ढूंढ के इनमें से निकाल दें अपना रेलिवेंट जो भी आपको सूटेबल है या आपके सेटअप को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये मेरे कंप्यूटर मैं थोड़े से दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये निसान का है, ये भी टोयोटा का है अगेन, और ये देखें B7 और विद ग्रिप्स ओरिजिनली, ये भी आप देखें 660 में, मतलब डिफरेंट हैं सारे के सारे। ये मित्सुबिशी का है और डिजिटल, ये टीवी ट्यूनर, आई डोंट नो क्या है इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये भी डी सीरीज़ का है। तो सारे मिक्स ही हैं इसी में कंप्यूटर वगैरह। अच्छा डिमांड के वाले से देखिए ना, ये वही टर्बो 660 वाला सीरा वाला इंजन है। ये देखें मैं इसका टैपेट कवर दिखाता हूँ आपको क्लोज से। ये वो वाला इंजन है जिसको मेहरान वाले टैपेट कवर इसका लगा के इसको अपनी मेहरान को टर्बो शो करवाते हैं। इंटरकूलर देख सकते हैं आप, और ये विद गियर है, 660 सीसी होता है। देखें इसका गियर भी जो है वो छोटा सा गियर है, क्यूट सा, और वैसे भी ठीक इंजन है, लेकिन मोस्टली सीरा शीरा में ही आता है ये। इसका देखें जनरेटर भी इसके साथ इंक्लूडेड है, और हालत तो बस बेचारे की पूरी पूरी है। कंप्रेसर भी है, ये देखें 660 वाला ये कंप्रेसर है इसका। तो आई डोंट नो कि ये बिका है, किस तरह से यूज़ होगा, क्या इसका सीन है। ये थी आज की वीडियो कच्चा स्टाफ से लाइव। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।